ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अदा ये कोई खानदानी तौर तरीके नहीं है, इसे देने के लिए क्या भला माँ बाप औलाद को पालता है। अरे बाबा एक बात बता जरीना, ये बात तूने कहीं पढ़ी है या तुझे किसी ने बताई है? नहीं, ये मुझे किसी ने कहा है। किसने बाबा? वही जिसको तुमने गली में मारता, उसकी माँ ने। बाबा झगड़ा जिससे हुआ है बाबा, उन सब को तो मैं बारी बारी मट्टी चटाऊंगा बाबा। अरे बाबा केचप के साथ ज्यादा मजा आता है। जरीना हाँ जरीना, ये खाना तुमने खाया? हाँ बाबा, क्यों बुरा लगा तो दोबारा नहीं खाऊंगी। वादा? वादा नहीं खाऊंगी, पर टाइम पर खाऊंगी। अरे जब भी खाना खाओ, लेकिन ये क्या तरीका है खाना खाने का, तुमने हड्डियां वही छोड़ दी और सारी मुर्गी खा ली। तो भला क्या हड्डियां खा के मुर्गी छोड़ दूं? भाई ये बर्तन कौन उठाएगा, कौन करेगा सफाई? जाननी है ना बच्चे, तुम देख रहे हो कितनी जुबान चलाती है ये, कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा दूल्हा कभी बोला है क्या? बस कर दो दूल्हे, और ये अखबार पढ़ने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं। अरे बाबा मुझे पता है इसमें क्या लिखा है, तो मैं क्यों पढ़ूंगा। अच्छा क्या लिखा है? अरे बाबा इसमें उर्दू लिखी है जो हमारी कौमी जबान है। अरे बाबा मेरा आधा बहुत ज़हीन है, इसीलिए कभी स्कूल नहीं गया। क्यों? अरे पापा कभी जरूरत तो नहीं पड़ी। वैसे ना जहनों के टॉपर हो तुम दोनों। क्या होता को कोई फायदा नहीं समझाने का। आप से पता था ही ना, टॉप्स टॉप्स टॉप्स। बाबा टॉपर या लटके हुए टॉपर। अब दोबारा उनसे झगड़ा नहीं करना मना, वो लोग हम लोगों को कूट के रख देंगे। नहीं बाबा कैसे कूटेंगे, हमारे पास जानी है उसको भेजेंगे, वो उसको कूटेंगे। ठीक है लेकिन ख्याल रहे बाबा। जानी भाई ये मोहल्ले में रहने के तरीके नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब भाई? मेरा मतलब मैं बच्चू भाई को समझाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ ये आवाज किसने मारी थी पहले? हमने। तो फिर तुम लोग समझो ना। लेकिन यार उसने पहले पत्थर मारा तो हमने आवाज मारी है, पता है? तो पहले उसको आवाज मारने देते फिर पत्थर मारते। हम छोड़ेंगे नहीं उसको, बता देना। अच्छी अच्छी बहुत बुरी बात है, मत लड़ा करो। और आजकल वैसे भी जब लड़ रहे हो ना कुछ उड़ाने आता भी नहीं है, वीडियो बना के फेसबुक पे वायरल कर देता है। मत लड़ो, बुरी बात है, बुरी बात। यार जानी भाई तुमको पता नहीं है मैं कितना भरा बैठा हुआ अंदर से। अरे मेरा बेटा बीमार हो जाएगा तू। अरे यार मेरा मतलब है कि मैं गुस्से से भरा बैठा हुआ हूँ। अबे तू बैठा हुआ या खड़ा हुआ बुझे से क्या? जानी भाई अब आप बात को घुमा रहे हो। तू जो तीरे से मेरा सर घुमा रहा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं करूंगा, चुपके से निकल जाऊंगा। नहीं जाने भाई तुम्हें लड़ना होगा। क्यों? बस हमने सोचा था अगर हमें बच्चू नहीं मिला तो हम जानी को कूटेंगे। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं अंदर से बच्चू को बाहर भेजता हूँ, दिल भर के कूटना। अबे कैसा मैनेजर है, मालिक की जगह कोट नहीं खा सकता? नहीं नहीं भाई कूट अपनी अपनी किशमिश, तू तो साइड पे हो। निकल गया देख चला आदमी यार। वो चले गया, लेकिन आप लोग पागल क्यों हो जो आपस में लड़ रहे हो? तू हमें समझाएगा, तू समझाएगा? अरे नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे मुझसे घर मिलने के लिए, स्कूल के बाद पहली बार हमारी मुलाकात होगी। हाँ ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम आ जाओ, खुदा हाफिज। अरे बाबा सीमा वो मैं गाँव जा रहा हूँ, बाबा सही ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं शायद उनकी तबीयत खराब है। अरे बच्चू अभी कुछ ही दिन पहले तो बीमार हुए थे वो। अरे बाबा तो बता दोबारा बीमार नहीं हो सकता है क्या? नहीं नहीं बच्चू, बीमार को बार बार मिलने जाओ ना तो वो और बीमार हो जाता है। अरे क्या बात कर रही हो सीमा, मेरे बाबा सही है। पर बच्चू मेरी फ्रेंड आ रही है घर पे मुझसे मिलने के लिए। अरे बाबा तुम्हारी दोस्त है तो मैं क्या करूँ बाबा? बच्चू भाई बच्चू भाई बच्चू भाई अपनी बहन को समझा लो, अभी बाहर से आया हूँ फिर कह रही बाहर जाओ। अरे बाबा इतनी गर्मी है इसलिए मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ। फायदा तो है नहीं, सारी तो खुद पी जाती हो। हाँ बाबा अकेले नहीं पीती है, मुझे भी पिलाई है ना, है ना? बच गई तो क्यों नहीं। तुमसे और कोई चीज बच जाए? तौबा, 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 तौबा। अच्छा जानी मेरी ना एक फ्रेंड आ रही है तो घर की जरा साफ सुथरा ये सब कुछ देख लेना। हाँ इस घर में तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज्यादा नहीं आती है, अमीर लोगों के घर में ऐसा ही होता है, दोस्तें आती जाती रहती हैं। ये चीज
अच्छा मैं खैर मार जा रही हूँ, तुम घर की सफाई कर लेना, ठीक है? फिक्र ही ना करें, फिक्र ही ना करें। मार? ये मार क्या होता है? पता नहीं बाबा, कोई शायद खाने की चीज होगी। उड़न तश्तरी है, चांद पे जाते हैं इस पे बैठ के। हाँ पता पता, मेरे को बची नहीं हूँ। देखा, सफाई कराओ, चलो। हाँ करता हूँ। नौकर, इसकी सफाई और उसके फ्रेंड। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए आइए, अंदर आ गए। आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, फरमाइए। मैं सुमैरा हूँ, सीमा की फ्रेंड। सीमा है? जी जी, वो आती होंगी। आइए आप तो अंदर आइए। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले इनसे पूछो तो सही कौन है। ये भी आपके साथ हैं? आप इसे पहले से जानते हैं? इनको कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो भी जानता है। आप ना बड़े ही मजाक किया, ये मेरा छोटा भाई है सनी, हमने इसे बहुत लाडों से पाला है, बहुत लाडला है ये। मैं तो कहता हूँ ये पला ही क्यों है। जी अब मेरा मतलब प्यार में बड़ी ताकत है भाई। क्यों प्यार क्या, बॉडी बिल्डिंग करता है। बहुत ही कोई ठंडी जुगत की है। आप तो अंदर चलिए, तशरीफ लाइए। सीमा कब आएंगी? अभी आ जाएगी वो। अच्छा चलिए आइए आइए। तुम भी साथ हो क्या? जी मैं बाईजी के साथ हूँ। हाय हाय, यही सुनना रह गया था। आओ आओ चलो। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। लो भला फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें कोई तकलीफ ही ना हो। क्या मतलब आपका, मैं समझी नहीं। आप यहाँ की नौकरानी है, तुमको शक्ल से क्या मैं नौकरानी लगती हूँ? हाँ ना, हमारी बुआ बिल्कुल आपके जैसे ही है, सेम टू सेम, है ना बाजी? पापा सुमेरा, मैडम भला ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है सनी। ये तुम्हारा भाई है? तो फिर एक काम करो। क्या? पापा इसको देकर अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, इसका क्या फायदा। टूटी हुई केतली। क्या टूटी हुई केतली बाजी? ये भाई भला क्या ऐसे होते हैं? हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ हमारे कैसे होते हैं। अदा बच्चों, अदा। हाजरी ना, क्या हुआ बाबा? ये है मेरा अदा। आप कौन है? मैं सुमैरा हूँ, सीमा की स्कूल फ्रेंड। मैं मिस्टर सीमा बच्चू। जी हाँ, मैं मेरा मतलब है कि मैं सीमा का शौहर हूँ बच्चू। और ये कौन है बाबा? ये सनी है मेरा भाई। हेलो बच्चू। अच्छा बाबा मैं समझ गया। सीमा कब आएंगी? अब सीमा बस आती होगी, आप लोग बैठे। आधी जरी नजर आ बाबा, काम है। हेलो बाला। मेरा बाला से छोटा सा भाई, मेरा बेबी। बाजी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ओ कुछ आ जाएगा ना, रुको ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। कब आएगा? जाने पानी पिला दो। हेलो सीमा। अरे सुमेरा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल, बैठो बैठो। कब आए तुम लोग? अभी आई हूँ। और ये कौन है? ये ना मेरा छोटा सा भाई है सनी। हेलो आंटी। आंटी एक्चुअली ना बहुत लाडला है ना, तुम इसकी बात का माइंड नहीं करना। अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने कुछ खाया पिया? अभी तक तुम पानी भी नहीं पिया। अच्छा जानी जानी। जी 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 मैडम, जी मैडम, जी मैडम आया। जानी ये लोग कब से आए हैं और इन्होंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। क्यों भाई तूने अब तक पानी क्यों नहीं पिया? जी मैं पानी नहीं पीता। पानी नहीं पीता, मुझे लगता तू डीजल पीता है। वैसे ये बता एक किलोमीटर में कितनी दूर चलता है? जानी क्या बदतमीजी है ये। ऐसी हमारा मजाक है। ये कब हुआ? जब ये हुआ। जानी सुमेरा ये हमारा मैनेजर है जानी। ओ जानी माय फेवरेट नेम। सनी अब जाने के साथ जाना, जानी इसे घर दिखाओ भाई, लेके जाओ। घर को क्या दिखाना, मैं इसको डायरेक्ट चिड़ियाघर लेके चलता हूँ, जानवर खुश होंगे इसको देख के। आओ भाई आओ आओ आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, आराम से बैठ के बचपन की बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। और सनी भाई क्या करते हैं आप? यार मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन घर वाले मुझे कुछ करने ही नहीं देते। क्यों भाई ऐसा क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा डॉक्टर? लेडी डॉक्टर।
ब्यूटी डॉक्टर? हाँ ना, या फिर हेयर होस्टेस बन जाऊं। अरे, या फिर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूं। ओ भाई, ये काम कैसे करोगे आप? क्या करूं, अब मैं मैकेनिक, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन तो बन नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे? हाँ, बात में तो दम है। अरे जानी बाबा, तुम यहाँ बैठो, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। बाबा जाओ, जाकर कुछ नाश्ता वास्ता ले, मेहमान आए। तो हम रात में यहाँ रुकेंगे कोई? हम तो चले जाएंगे। हाँ बाबा, जाओ जाओ। तो भी नाश्ता क्यों मंगवा रहे हो? शाम को कुछ खाने को भी ना नाश्ता ही कहते। अच्छा, मेरे लिए जूस ले आइएगा। कौन सा? अनार का मिल जाए तो ज्यादा सही है, वरना किन्नू का भी चल जाएगा। बात सुनो, अनार कली जो लाओ ना, खुशी से पी लेना। आप मुझे डांट क्यों रहे हो? वैसे मेरा स्टाइल है। हाँ जाओ बाबा, जानी तुम लेकर आओ। बाबा जाओ जाओ, बाबा जाओ लेकर आओ, तुम जाओ लेकर आओ। अच्छा बच्चू भाई, 5 पत्थर जमा करें, हम गिट्टे खेलेंगे। बाबा ये क्या होता है? आए मैं आपको बताता हूँ। हाँ बाबा तुम बाहर चलो, मैं अभी आया। चलो चलो बाबा। वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। और ये मेरा कमरा है। सीमा मुझे एक बात बताओ, ये घर तुम्हारे नाम है ना? हाँ, क्यों? तो फिर ये तुम्हारी नन तुम्हारे साथ क्यों रहती है? निकालो इसको घर से बाहर। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन किसको घर से निकालने की बातें हो रही है? तुम क्या कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? मुझे दीवार के पीछे से ना आवाज आती है। क्या आवाज आई तुम्हें? यही कि तुम अपनी दोस्त से मेरी बुराइयां कर रही थी। तो इसमें झूठ क्या है? अरे ओ, जरीना नाम है मेरा। माफ कीजिएगा, अब जरीना कम दिलावर ज्यादा लग रही है। और तुम भी भला कौन सा फलावर लग रही हो? आप ना मुझे खेतों की दवाई लग रही हैं। अरे तुम भी ना मुझे मैयत गाड़ी लग रही हो। लुक एट योरसेल्फ, आप मुझे बदतमीजी का तूफान लग रही हैं। अरे बाबा, आप भी तो खाली मकान लग रही हैं। बहुत ही कोई जबान दराज है। और तुम बेसुरी आवाज हो। अरे भाई बस करो। जरीना तुम जाओ यहाँ से, और जाके देखो जानी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया। मेरी दोस्त आई हुई है। क्यों भला, क्या हम इसके नाकर लगे हुए जो इसके खाने का बंदोबस्त करें? रीना जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से ख्याल कर रहे हो, इसको मैं भूख मार दूँ छुपकली को। क्या चीज है ये यार? छोड़ो तुम इसके मुंह क्यों लगती हो, पागल है। क्या बोला? सब आवाजें चन पी, सारी आवाजें आ रही है। रीना जाओ यहाँ से। अब नहीं छोड़ूंगी मैं छुपकली को, देखो मैं इसका कीमा बना के ना। जरीना जाओ यहाँ से। मोचनो ना रत्त में गाड़ो कंदा सोखे माँ। कैसे रह लेती उस बला के साथ तुम यार? अब मैं नाजा हुआ। आ रही है आवाज, मुझे आवाज आ रही है। अरे बच्चू भाई। अरे जानी बाबा, तुम ले आए बाजार से बिस्किट और समोसे? बच्चू भाई बिस्किट सिर्फ मिले हैं, पापा वामों को चुरा था वो मैंने डलवा लिया, समोसे खत्म हो गए थे, बस दो ही बचे थे। अच्छा बाबा, वो दो ही ले आते? वो मुझे भूख लगी थी रास्ते में, मैंने खा ली। अरे बाबा, तो अब सीमा लोगों को क्या खिलाएंगे? बिस्किट है ना, चूरा भी है। बाबा वो तो मैं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी। ये सब बातें छोड़े, ये बताए वो हिलजुल कहाँ है? अरे बाबा वो अजीब आदमी है, अजीब अजीब बरकतें हैं उसकी। क्या? हाँ बाबा, वो कहता है मेरे साथ खो-खो खेलो, बर्फ पानी खेलो। अच्छा। हाँ, और कह रहा है मेरे साथ गली में चल के गिट्टे भी खेलो। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, है मोटी असामी, कुछ दिमाग चलाओ। बाबा उसने दिमाग ही बंद कर दिया है, क्या चलाऊं दिमाग। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अरे बाबा वो क्या? अगवा करा लेते, अगवा बराए तावान 50 लाख रुपए मांग लेते। अच्छा। हाँ, और उसकी बहन भी यही है, हाथ के हाथ पैसे मिल जाएंगे। हाँ बाबा, काम तो अच्छा है, लेकिन अगर पकड़े गए तो सीमा हमारे साथ अच्छा नहीं करेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बाबा ये काम करेगा कौन? अरे अपने शौकत भाई है ना। अच्छा ये बताओ वो हिलजुल कहाँ है? बाबा वो गली में गया है गिट्टे जमा करने। अच्छा एक मिनट, उसको जरा फोन करता हूँ। हेलो। हाँ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अबे भोटू पतलू बरसारी रे झिप्पो, यह क्या कर रहे तुम? अंकल अंकल मैं पत्थर ढूंढ रहा हूँ। पत्थर ढूंढ रहा? किसी को मारना है क्या? हाँ आपको मारना है। अरे भाई मुझे क्यों मारोगे, मैंने क्या किया? आपको क्या है, कौन है आप? अरे मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अरे भाई मैं वो माइकल जैक्सन का सुसर, लेडी गागा का बहनोई। लेडी गागा के बहनोई? हाँ लेडी गागा का बहनोई और जेनिफर लूप्स का चाचा है। आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे नहीं भाई सच बोल लो, किसी से भी पूछ लो यहाँ पे। अंकल आपका घर कहाँ पर है? ये सामने लगा हुआ ना केरी का दरख, उसी के नीचे। केरी का दरख कहाँ लगी है केरिया? नहीं उसमें पपीते लगे। अबे केरी के दरख में केरी लगी होगी ना? केरी का दरख केरिया लगी है क्या उसमें? बहुत सारी है, बहुत सारी। मुझे खानी है। अरे तो फिर आओ मेरे साथ तोड़ के खाओ। आप तोड़ कर ला दे अंकल। अरे नहीं नहीं तुम मेरे पर चढ़ के तोड़ ला। आ तो सही। दिस इज टू मच, तुम इसके साथ रह कैसे लेती हो यार? जैसे कि मेरे साथ रहती ऐसे ही मैं इसके साथ रहती हूँ। पर मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरीना, चलो माफी मांगो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आई एम गोइंग। सनी सनी कहाँ सनी? अरे बाबा सनी, अरे गजब हो गया, गजब हो गया। आपके सनी को कोई उठा के ले गया? ये नहीं हो सकता। अरे बाबा कैसे नहीं हो सकता, उठाने वाली चीज उठा लिया। बच्चों कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? और हाँ उन्होंने ना 50 लाख रुपए तवान भी मांगा है। मैं 100 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए प्लीज, मुझे मेरा भाई ला दो प्लीज। 100 लाख उसके? ऐसा करो कि 10 लाख मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हें 4 मंगवा दूंगी। सरीना क्या बकवास कर रही हो? बच्चों अब क्या करना है? अरे बाबा करना क्या है, 50 लाख दो सनी लो। मैं बस अभी पैसे मंगवाती हूँ प्लीज, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई ला दो। देखिए बंदे में मंगाइएगा। क्यों? अरे बाबा खुले इतने सारे पैसे गिनेगा कौन बाबा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। अबे हम आते हैं बाबा, देखिए सनी गया किधर। बाबा पता करें मुझे मेरा भाई चाहिए, पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा। मेरा फोन गया, मिल जाएगा, मेरा फोन गया, मैं अभी अभी पैसे मंगवाती हूँ। पर मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, बेग साहब को फोन करती हूँ। हेलो बेग साहब। पैसों की तो खैर है, बस मुझे डर है कहीं सनी को वो कुछ ना कर दे। भाई बड़े खतरनाक है वो। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना सीमा। अरे बाबा आप क्या पैसे नहीं देंगी? भाई आराम से, 50 लाख का मामला है। वैसे मैंने बेग साहब को भी फोन कर दिया, वो भी आते ही होंगे। अरे बाबा बेग साहब को बुलाने की क्या जरूरत है, वो भी अलग से पैसे लेंगे। चलो तो चलो इधर दफा, चलो ए, ये रखो सफेद हाथी को अपने पास। सौगत भाई क्या किया आपने? अरे भाई दिमाग खराब कर दिया इसने, लेके गया कह रहा कैरियर तोड़ के दो, वो तोड़ के दी। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा खट्टी वाली चाट खाऊंगा, वो ला के दी। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा इमली खाऊंगा। अबे इतना खट्टा पूरे मुल्क में नहीं है जितना ये मांग रहा है। चोकत भाई आपको ये बला मिला कहाँ से? अरे भाई मिला नहीं है, झूठा है। किसके कहने पे? वो खबरदार अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। खारिश था तब भी नहीं। बेग साहब इतनी जल्दी क्यों आ गए? बच्चों भाई फंस गया। अरे भाई मसला क्या है, क्या हो गया, कौन अगवा हो गया है? मैं। अबे तू तो यहाँ खड़ा है, तू कहाँ से अगवा हो गया? मेरा भाई आ गया। असल बात क्या है? अरे पापा ये अगवा हो गया था, बदकिस्मती से फिर मिल गया। अबे किसने अगवा किया था तुझे? बाबा शौकत भाई ने 50 लाख रुपए भी मांग रहे थे। अरे भाई मुझे तो कोई 50 रुपए नहीं देता, 50 लाख कहाँ से मांग लूंगा? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, पकड़ ले इनको। अरे भाई जानी बच्चों क्या कर रहे हो ये? कोशिश बाबा कोशिश। किस चीज की? बाबा बच बुराई से निकल सफाई से। अरे भाई ये गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। अबे शौकत भाई मैं तो बहुत दिन से तेरी तलाश में था, आज हाथ लगाए ना तू मेरे। अरे बाबा वक्त मत जाया करो ऐसा ना, ये निकल जाए, पकड़ो इसको। एक मिनट खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया हो तो। क्यों तेरा सौदा हो गया क्या? बेग साहब पकड़े इसको, हम तो खुद ही आ जाएंगे आपके पास। चल चल तू मेरे साथ अंदर बैठ के बात कर ले। आजा आजा बाबा तुम अपना बस्ता अंदर रखो, बात करते हैं। ना जानी अगर तुम चले गए तो भला फिर हम शक किस पे करेंगे? क्या बकवास कर रही हो, बंगी को बुलाना पड़ेगा ना। अरे उसकी क्या जरूरत है, जानी है ना। बच्चों भाई देखिए मैं जा रहा हूँ। अरे यार जानी तुम औरत है जो बात बात में नाराज हो जाता है।
शौकत भाई यहाँ से चले जाओ, आज दिमाग बहुत खराब हुआ है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है भाई? हलवे पे निहारी डाल के खा ली थी क्या? नहीं भाई। तो फिर चाय में साबुन डाल के पी ली होगी? अरे ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर जिंगर पे दाल चावल डाल लिए होंगे? क्या हो गया, दिमाग सही है आपका? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? शक्ल से तो आप बड़े अमीर आदमी लग रहे हो। क्यों, हमारे हालात नहीं बदल सकते? ओ यार, दुनिया मुझे जानती, तू नहीं जानता मुझे। हाँ बाबा, जानती होगी दुनिया। आप क्या जहाज उड़ाते हो? हाँ बिल्कुल, नीचे नीचे। अच्छा बाबा, कागज के जहाज उड़ाते हो? बाबा इसको जरीना से मिलना है। वो ठीक है, लेकिन आप क्यों मिल रहे हो? बाबा दरवाजा तो मैंने खोला ना। ये तो मेरा काम है, आप क्यों ये काम कर रहे हैं? अरे बाबा अंदर तक देखते ना। और जी मैंने बहुत अंदर तक देखा, बराबर वालों की नाली शुरू हो गई थी। ईसु का मतलब है कि अंगूठी दूसरे के घर में चली गई है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा। जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ ना जाए इनका फट। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।